नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए लेके चलता हूँ क्लियोपेट्रा बीच। हिस्टोरिकल क्लियोपेट्रा बीच तुर्की के सबसे फेमस बीचेस में से एक है, जो एंटालिया की यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से देखने के लायक है। अपने साफ क्रिस्टल क्लियर पानी और कई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के साथ यह हर साल लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हर साल और भी ज़्यादा लोकप्रिय होता जाता है। क्लियोपेट्रा बीच का नाम वर्ल्ड फेमस मिस्र की क्वीन क्लियोपेट्रा के नाम पर रखा गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। इस बीच ने अपने साफ क्रिस्टल क्लियर पानी की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है। तुर्की के सभी समुद्र तटों के बीच इसकी एक अलग ही प्रतिष्ठा है। 2 किलोमीटर लंबा यह बीच सनबाथ और वॉक करने के लिए सबसे सही जगह है। क्लियोपेट्रा बीच को रोजाना साफ किया जाता है। इसमें तुलनात्मक रूप से मोटे दाने वाली रेत होती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह अपनी बनावट के कारण शरीर से नहीं चिपकता है। अपनी वाटर क्वालिटी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के कारण इस बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। यह बीच 8 से 10 मीटर तक शैलो है, हालांकि इसके बाद यह और ज़्यादा गहरा होता जाता है, इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर बच्चों के लिए। हालांकि जून से सितंबर तक का मौसम इस बीच पर छुट्टी मनाने के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदार होता है, लेकिन ऑफ सीजन में भी यहाँ आपको इंजॉय करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर पानी का टेम्परेचर कभी कभी 20 डिग्री से नीचे चला जाता है और इस बीच पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम ही होती है। तो आपका एक अच्छा खासा बजट है तो होकर आए इस बीच पर और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।